संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना ने मिलकर तबाही का ऐसा तांडव मचाया है जिसकी तस्वीरें देखकर आप परेशान हो जाएंगे। खून पसीने की कमाई से सींचा गया मकान बाढ़ के पानी में इस तरह डूबा हुआ है मानो उसका कोई वजूद ही नहीं है। हर तरफ गंगा यमुना के उफनते पानी का जल कर्फ्यू है और इस कर्फ्यू में अपने घर की ऊपरी मंजिलों में कैद हो गए हैं लोग। इलाके में न बिजली है न पीने का पानी और प्रयागराज में ऐसे हालात तब पैदा हुए हैं जब उत्तर प्रदेश में बारिश लगभग ना के बराबर हुई है। आज भारत की बात में हम आपको दिखाने जा रहे हैं गलियों में कैसे गदर मचा रही है गंगा। तमाम आलीशान मकान यहां पर हैं जो बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। कई जगह तो पानी इतना ज्यादा है कि पूरी एक मंजिल तक डूब गई है और तमाम जो बड़े मकान हैं उनमें 4 से लेकर 6 फीट तक 8 फीट तक पानी भरा हुआ है। कितने आलीशान मकान है इसकी देखिए, ये जो बाई तरफ मकान है इसकी जो बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल नजर नहीं आ रही है। ऊपर की तरफ जो लैंप लगा होता है गेट के ऊपर, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ यहाँ पर कोई मकान था, नीचे एक बाउंड्री वाल हुआ करते थे। गलियों में नाव चल रही है, हम इस वक्त एक नाव पर ही मौजूद हैं। यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियां आज लगातार 5वें दिन भी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही हैं। तकरीबन 50 मोहल्ले ऐसे हैं जो कि बाढ़ की चपेट में हैं। ये कुछ लोग हैं जो शायद स्टूडेंट्स हैं, किसी तरीके से बच करके, देखिए इनकी गर्दन तक पानी है और यहाँ से बच करके किसी सुरक्षित जगह पर जाने की तैयारी में हैं। जरा कल्पना कीजिए, आपकी जीतोड़ मेहनत से खड़े किए गए मकान के बाहर बाढ़ के पानी का डेरा हो। उस पानी में नदी में तैरने वाली जलकुंभियों का बसेरा हो। हर घंटे घर की नींव को खोखला करने का डर हो। और पानी कब निकलेगा इसका कोई रास्ता न दिखता हो। ऐसी हालत में दिल पर क्या बीतती होगी, ऐसे हालात में किस तरह की बेबसी का अनुभव होता होगा। ये देखिए, ये जो मकान है कोई कॉलोनी है ये, और ये देखिए ये इन कॉलोनियों में जो है इस तरीके से लोग जो है यहाँ पर हैं और पहली मंजिल तक पानी आ गया है। हम आराम से यहाँ पर खड़े हो जाएंगे और तो ये पहली मंजिल तक देखिए ये हमारा हाथ पहुँच जाएगा। एक बच्चा यहाँ पर है और देखिए यहाँ पर इन्हें ये राहत सामग्री दी जा रही है, दूध दिए जा रहे हैं, ब्रेड दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ बिस्किट दिया जा रहा है। जिस तरफ भी नजर जाएगी उधर तबाही की गवाही देती तस्वीरें मौजूद हैं। ये मंजर संगम नगरी प्रयागराज का है जहां गंगा और यमुना दोनों नदियां लगातार 5वें दिन खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही हैं। ये जो मकान आप देख रहे हैं तमाम आलीशान मकान बने हुए हैं लेकिन ज्यादातर मकानों में ताले लगे हुए हैं। इनमें रहने वाले जो लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं, किसी ने अपने रिश्तेदार के यहाँ शरण ली है, किसी ने परिचित के यहाँ और किसी ने बाढ़ राहत केंद्र में। तो ये गलियों में पानी किस कदर है, कितना ज्यादा पानी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि ये बिजली के तार हैं जो लटक रहे हैं। समझा जा सकता है कि काफी ऊंचाई पर ये तार लगे होते हैं लेकिन आज जिस नाव पर हम बैठे हुए हैं कई जगह ऐसी नाव बताती है कि जहां पर हमें भी झुक करके चलना पड़ता है या हाथ से इन तारों को हटाना पड़ता है। हमारी बाई तरफ आप देख सकते हैं कि एक गुमटी है, ऊपर का हिस्सा इसका सिर्फ दिख रहा है, बाकी पूरा हिस्सा बाढ़ के पानी में समाया हुआ है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर मोहम्मद मोइन ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और प्रयागराज इलाके की तमाम गलियों के भीतर
नाव के जरिए जाकर देश को वहां के हालात दिखा रहे थे। जिन गलियों में वाहन फर्राटा भरते थे वहां आज नावें चल रही हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के बघाड़ा इलाके में, जहां की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। कई इलाके तो ऐसे हैं, कई गलियां ऐसी हैं जहां पर एक मंजिल जो है मकानों की, वो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। हजारों लोग अब भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं जो राहत और बचाव के काम में दिन भर लगी हुई हैं, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी गृहस्थी चोरी हो जाने का डर है, लिहाजा लोग घरों को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। इस वक्त हम बघाड़ा इलाके की गलियों में मौजूद हैं, जहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, पीछे की तरफ देखिए, पूरे जो मकान हैं इनकी एक मंजिल तक जो है वो लगातार डूब गई है। लेकिन बाढ़ की रिपोर्टिंग करना इतना आसान नहीं होता। तस्वीरें देखकर लगता है कि नाव पर सवार होकर कैमरामैन और रिपोर्टर हालात दिखा रहे हैं, पर इस तरह की रिपोर्टिंग करना कितना खतरनाक हो सकता है, हम उसकी एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। मोहम्मद मोइन की नाव अलग अलग गलियों में जा रही थी, इसी दौरान मोहम्मद मोइन को डूबे हुए मकान की बालकनी में एक बच्चा खड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही नाव उस घर के पास पहुंचती है, मोहम्मद मोइन उस बच्चे से बात करने के लिए नाव पर खड़े होते हैं। लेकिन उसी वक्त नाव का संतुलन डगमगाता है। संवाददाता मोहम्मद मोइन एक हाथ से बालकनी की ग्रिल पकड़ते हैं, लेकिन उनके पैरों के नीचे से नाव खिसकती चली जाती है। हाथ से माइक भी छूट जाता है। एक पल ऐसा आता है जब लगता है कि मोहम्मद मोइन संतुलन नहीं बना पाएंगे और प्रयागराज की इन गलियों में भरे करीब 8 फीट से ज्यादा पानी में गिर जाएंगे। लेकिन फिर नाव पर मौजूद लोग मोहम्मद मोइन की मदद करते हैं और वापस सही सलामत उन्हें नाव पर बिठा पाने में कामयाब हो पाते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन जब नाव पर बैठते हैं तो उनकी सांसें फूल रही होती हैं। थोड़ा सा स्थिर होते ही वो सबसे पहले अपना माइक मांगते हैं और इस माइक पर उनकी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही होती है। माइक दीजिए, माइक माइक आराम से बैठे बैठे। बस चंद सेकंड ठहरने के बाद संवाददाता मोइन फिर से तैयार हो जाते हैं देश को प्रयागराज में आए जल प्रलय की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने के लिए। ये बघाड़ा का इलाका है, जहां आप देखिए चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा और हर एक मकान जो है तकरीबन एक मंजिल तक जो है यहां पर डूबा हुआ है। और तस्वीरों में आपको मकान का सिर्फ बाहरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। साफ दिख रहा है कि निचली मंजिल पानी में डूबी हुई है, लेकिन जरा सोचिए निचली मंजिल पर लोगों का जो सामान रहा होगा उसकी क्या दशा हुई होगी। सामान की क्या दशा हुई होगी उसका तो सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन इंसान के क्या हालात हैं उसे आप अगली तस्वीर के जरिए समझिए जो संवाददाता मोहम्मद मोइन दिखा रहे हैं।
गलियों में नाव चल रही हैं, लोगों को किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, ये तस्वीर आप देखिए कि एक मकान से कुछ लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और खतरनाक तरीके से निकाला जा रहा है, जान जोखिम में डालकर लोग बाहर निकलते हैं। और ये देखिए वापस घर को लोग किस तरीके से जा रहे हैं, नाव से अपने घर पर छलांग लगा रहे हैं। बेहद खतरनाक हो सकता है, बेहद रिस्की है ये, क्योंकि अगर जरा सी चूक हुई तो लोगों की जान तक जा सकती है। तो प्रयागराज की गलियों की ये तस्वीर है और ये हाल अकेले बघाड़ा इलाके का नहीं बल्कि प्रयागराज के तमाम मोहल्लों का यही हाल है। इलाके में 5 दिन से पानी भरा हुआ है। अब 5 दिन तक तो लोग नौकरी छोड़कर घर पर नहीं बैठ सकते, तो देखिए दफ्तर जाने के लिए किस तरह का जोखिम और जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ऊपर की मंजिल से नीचे नाव पर एक सीढ़ी टिकाई गई है, लकड़ी की ये सीढ़ी, और देखिए किस तरीके से लोग बाहर निकलने की कवायद कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं बाहर निकलने की, ताकि घर से इस नाव पर आ सके और इस नाव पर आकर बाहर किसी सुरक्षित जगह तक पहुंच सके। तो इसी तरीके से लोग परेशान हैं और इसी तरीके से जुगाड़ के जरिए जान जोखिम में डालकर ये कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर गहरा पानी है। देखिए ये एक बच्चा है जो कि जुगाड़ के जरिए जो है ये अपने घर की ऊपर मंजिल से लकड़ी के सीढ़ी के जरिए नाव पर आ रहा है, उस नाव पर जिस नाव पर हम सवार हैं। सुबह सीढ़ी से उतरते हैं, दफ्तर जाते हैं और फिर नाव का इंतजार करते हैं ताकि इसी सीढ़ी के जरिए अपने घर तक पहुंच सके। सबसे ज्यादा बिजली की है, बिजली नहीं आ रही है, नलकूप हमारे डूब गए हैं जिससे बाढ़ की वजह से दूषित पानी आ रहा है लोगों को, और लाइट नहीं है, छतों पर रहते हैं, चोरी का डर रहता है, इसलिए लोग मकान छोड़ के जा नहीं सकते हैं। और जो हो सक रहा है ज़रूरत, हम लोग निजी संसाधनों से अपनी पार्टी की तरफ से ये दूध और ब्रेड वगैरह हम लोग वितरण करवा रहे हैं लोगों को। पूरे इलाके में पानी की जो स्थिति है उसकी वजह से बिजली काट दी गई है, पानी के नल डूबे हुए हैं और जो पानी आ रहा है उसमें सिर्फ गंदा पानी आ रहा है, यानी ना तो बिजली है और ना ही पीने का पानी, ऊपर से घर से निकलने का कोई रास्ता तक नहीं है। इतने मुश्किल हालात में लोग अपने घरों में जमे हुए हैं क्योंकि उन्हें अपने सामान के चोरी होने की चिंता है। इसी तरीके की तबाही देखने को मिलती है, और देखिए जब आप देखेंगे ना तो ये देख करके आप कलेजा कांप उठने जैसी स्थिति होती है कि इतने आलीशान मकान करोड़ों की लागत से तैयार कराकर बनाए जाते हैं और हर साल इनमें पानी घुसता है, हर साल करीब 2-3 हफ्ते तक या कई बार 1-1 महीने तक इसी तरीके से गलियों में सड़कों पर नावें चलती हैं, हर साल जो है हाय तौबा मचती है, लेकिन इसके स्थायी इंतजाम नहीं किए जाते हैं। सवाल तो यही है कि जब हर साल प्रयागराज के निचले इलाकों में यही हालात होते हैं तो इन्हें बाढ़ में डूबने से बचाने के कोई इंतजाम क्यों नहीं होते। अब स्थायी इंतजाम नहीं किया जाता, प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं लगातार, मैं 5 सालों से बाढ़ आ रही, लगातार प्रतिवर्ष मांग करता हूँ, जिलाधिकारी महोदय से मांग करता हूँ, जो यहाँ पे माननीय मंत्री वगैरह जो माननीय विधायक या जो भी होते, सबसे मांग किया जाता है कि भाई यहाँ पे एक बांध बना दिया जाए। छोटा बघाड़ा ये छात्रों का एरिया है, बड़ी डेलीगेसी भी है, इतने मकान बने हुए हैं, मकान तो अब बन चुके हैं, अब उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये है कि इनको बचाव के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना चाहिए। प्रयागराज के बाद आपको भोले की नगरी वाराणसी लिए चलते हैं जहाँ हालात बेहद खराब है। टीवी स्क्रीन पर आपको नमोघाट की 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। कुछ दिन पहले तक जो नमोघाट अपनी खूबसूरती से दर्शकों को अपनी तरफ खींच रहा था, आज वो घाट माँ गंगा के प्रचंड सैलाब में समाया हुआ है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में माँ गंगा सुरक्षा कवच मानी जाती है, लेकिन गंगा मैया का रूप विकराल हो चुका है। घाट से अब आपको बनारस शहर की तरफ ले चलते हैं। सबसे पहले हम आपको BHU के पीछे चित्तूपुर की सड़कों का हाल दिखाते हैं जहां सड़क पर कई फीट तक पानी भरा है, सड़क किनारे दुकानें डूबी हुई हैं।
वाराणसी में जलभराव के चलते तमाम हिस्से जो शहर के हैं डूबे हुए हैं। इस समय छित्तूपुर इलाके में हम हैं, प्रवाह पानी का तेज है, नदी से होकर पानी तेजी से आ रहा है और देखिए किस तरीके से दुकानों को यहां पर पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है। दुकानों में जो आसपास के इलाके थे रिहायशी उनमें डूबे, ये दुकान आपकी है? हाँ सर, ये हमारी दुकान है, प्रकाश डेयरी है, क्षेत्र मात्र डेयरी है, प्रकाश डेयरी जो की कुछ बचा है। मुझे तो सब कुछ डूबा दिख रहा है, क्या क्या डूब गया? इसमें लगभग सब कुछ डूब चुका है, रात में कहा कि इसमें पानी भर गया। पानी के बीच से गुजरना कितना खतरनाक हो सकता है आप इस तस्वीर से समझिए। पानी में सांप भी दिखाई देता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए किस तरीके से पानी के बीच से ये सांप जाता हुआ दिख रहा है, डराने वाली चीज तस्वीरें हैं ये, दहशत में लोग हैं काफी यहाँ पर। जिस पानी से इंसान गुजर रहा है उसी पानी के बीच सांप भी सैर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माँ गंगा ने पांव पसारना शुरू किया तो आसपास के गली मोहल्लों तक पहुंच गई। ये वीडियो वाराणसी के मारुति नगर इलाके का है जो घाट से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आलीशान मकान, दुकानें सब पानी में डूबा हुआ है। बाढ़ के पानी ने यहाँ लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। मारुति नगर इलाके में कल के बाद आज के दिन जो जलस्तर है कुछ बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आसपास के जो घर हैं उनके दरवाजे आधे आधे पानी तक डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो टीमें हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरे जो सोशल वर्कर्स हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच रहे हैं। आसपास का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। घर, पेड़, बिजली के खंभे, आसपास जो कुछ है, इस इलाके की जो एक नाला है उस नाले से पूरा ये पानी नदी का शहरी इलाके में आ गया है। आसपास सब कुछ डूबा हुआ है, लोग जो हैं तमाम निकल चुके हैं, कुछ लोग हैं जो अपने घरों के ऊपर के माले में मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू की कोशिश लोगों की जारी है। जो फ़ोन आता है कोई फंसा हो तो वो फ़ोन करके एनडीआरएफ के लोगों को सूचित करता है या स्थानीय जो नेता हैं उनको सूचित करता है तो उसके बाद उनके रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीमें जाती हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।